नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम मुश्किल में फंसे सांप और इंसान दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। सांपों से इंसानों को और इंसानों से सांपों को, दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य जो होता है एक ही, कि ना हानि इंसान को पहुंचे ना सांप को, ऐसे सेफली दोनों को बचा सके, ऐसा हम काम करते हैं। तो आज धाराशिव जिले के राजगांव गाँव में आए हैं और बालाजी चौहान इनका घर है। घर के करीब करीब आप देख रहे हैं कुछ काम चल रहा है, ये ईंटे रखे हैं और ईंटों के बाजू में एक पोल है जो साइड बॉर्डर में काम के लिए आ जाते हैं। ऐसे पोल है, पोल के नीचे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, हाईली वेनमस होता है ये, इसके नीचे है। हम निकालेंगे उसको बाहर और इसे पहले छाव में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो सांप होते हैं, कोई भी सांप हो, धूप होती है तो ज़्यादा गुस्सेल हो जाते हैं और ऐसे में बाइट कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से निकालेंगे और सीधा थोड़ी छाव की जगह पर लेके चलेंगे और उसके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, एक स्पेक्टिकल कोबरा है। हम इसे और छाव की जगह पर लेकर चलते हैं। पहले गर्मी बहुत है ज्यादा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि काफी हाईली वेनमस होता है ये, और इसका जो पॉइजन है न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि नर्वस सिस्टम पर असर करता है। अगर आदमी को काट ले या बाइट हो जाए तो सीधा आदमी की 1 से 1.5 घंटे के अंदर मौत हो जाती है, अगर अस्पताल ना जाए। और अगर ये सांप बाइट कर ले तो ज़्यादातर लोग झाड़ फूँक के चक्कर में जाते हैं, तो ऐसे में ये गलती ना करें, इससे आपकी जान पे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये स्नेक बाइट हो, कोई भी रसल वाइपर हो या फिर कोबरा या फिर क्रेट हो या फिर कोई सॉस केल वाइपर, ऐसे कोई भी जहरीले सांप अगर बाइट कर ले तो सीधा सिविल अस्पताल में जाना चाहिए दोस्तों, इससे आपकी जान बच सकती है। और ये पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है, इसे बचाना हमारी जरूरत है। मराठी तुम ना हा साप जो आहे, नाग आहे पण विषारी असतो, हा जर चावला तर माणसाचा मृत्यू होतो, पण जर वेळेत इलाज केला, लोक जास्त तर ते मी बघितलंय काही ठिकाणी नाही का, ते विडा खा हे खा ह्या अशा गोष्टी तुम्ही जर नाही केल्या तर तुमच्यासाठी फायदेशीर असतात। अशा टायमाला सापाने चावलं ना, कुठल्याही सापाने, तर सरळ सरळ जिल्ह्याचं जवळचं हॉस्पिटल, आता आपल्याला इथून जवळ लातूर पडतं उस्मानाबाद पेक्षा, सरळ सरळ तिथं डायरेक्ट पोहोचलं ना तर तुम्हाला फायदा होतो आणि जीव वाचू शकतोय। इथं छोट्या दवाखान्यात घेऊन जायचं नाही कुठेही, कारण छोट्या दवाखान्यात पण नाही का जाऊन, जर उपचार नाही नीट झाला, वेळेवर जर इलाज नाही झाला, त्याला एक हे असतं अँटीवेनम असतं जे उपलब्ध असतं काही ठिकाणी नसतं, पण सिव्हिल हॉस्पिटल जे जिल्ह्याचं मेन हॉस्पिटल असतं तिथं 100% उपलब्ध असतं, तिथं तुमचा जीव जाऊ शकत नाही, तिथं त्यामुळं तिथं इलाज केला तर आणि 2 पैसे तुमचे वाचतात,
आपण पैसा कोणाकडे जास्त नसतोय, शेतकरी माणसं आहे आपण ह्या एरियामध्ये राहणारी, आणि त्याच्यासाठी सरळ सरळ सिव्हिल हॉस्पिटलला जायचं आणि तिथं इलाज केला तर परफेक्ट आहे. हा, जीव वाचतो आपला. महादेवाच्या ठिकाणी गेलंय की पाया पडतात सापाच्या, पिंडाच्या, सापाच्या. परत अजून तिथून नागपंचमीच्या दिवशी अजून पाया पडता आणि मग बाकीच्या दिवशी त्यालाच मारून टाकता, मग हे चुकीचं आहे ना. मग आपण जर देवाची आस्था ठेवतो तर आपण त्याचा त्याच देवाच्या अपमान केल्यासारखं होतंय ना यांना मारून. आवाज तिकडं तिकडं जा, तिकडं पर्यावरण में प्राकृतिक परिवेश में पुनर्जीव हेतु इसे आजाद कर देंगे. फिलहाल तो इसे पैक कर देते हैं. मास्टर है, मास्टर बच्चे पढ़ा गया कि दिन भर कुछ काम करते उन्हें गए बरबर ऐसा गोला होती मेंढक बोला करता आपण मोबाईल अंदर देते आम्ही प्रतिरोज मोबाईल मध्ये फक्त करत राहतो समक्ष टीव्ही विशेष घरात बच्चे राहतो राज अंग आपण मारून फेक द्यावा दोस्तों. इसे हमने पैक कर दिया है सुरक्षित जगह पर, प्राकृतिक परिवेश में, पर्यावरण में पुनर्जीव हेतु आजाद कर देंगे. मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों. धन्यवाद.